अच्छा तो हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में या फिर आज तक कॉम्प्लेक्स नंबर में जो भी हुआ उसमें कुछ पूछना है किसी को, कोई टॉपिक या कोई भी चीज जिसमें डाउट हो तो उसको हम डिस्कस कर सकते हैं अभी स्टार्टिंग में। एनीथिंग एनीवन वांट टू आस्क? यदि कुछ नहीं है तो फिर हम आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि स्कूल में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। अच्छा, इससे पहले मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, उसका आंसर देना है आप लोगों को। आंसर आप बोल के दे देना। ये क्वेश्चन है कि बताइए इसका आंसर क्या होगा। एक्स इज इक्वल टू रूट फोर, तो हमें आंसर क्या लिखना चाहिए, एक्स की क्या वैल्यू आएगी, बताइए आंसर क्या होगा। टू टू। अब टू है, बट ये प्लस प्लस टू या माइनस टू या दोनों टू, प्लस माइनस टू। अच्छा, प्लस प्लस माइनस टू क्या सभी को लगता है, प्लस माइनस टू किसी को और कुछ लग रहा है, सभी प्लस माइनस टू के साथ एग्री है। नहीं, यहाँ ओनली आंसर आएगा प्लस टू, माइनस टू नहीं आएगा। अच्छा, वन मोर क्वेश्चन, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा क्यों। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर, तो बताइए एक्स की वैल्यू क्या होगी। प्लस माइनस टू प्लस माइनस प्लस माइनस या ओनली प्लस? प्लस माइनस प्लस माइनस हाँ, प्लस माइनस। तो अब मुझे ऐसा कोई रीजन बताना चाहता है क्या, आखिर ये जो फर्स्ट केस था इसमें ओनली प्लस टू आंसर एंड सेकेंड में प्लस माइनस टू, ऐसा क्यों हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, किसी को लग रहा है, कुछ भी लग रहा है गलत सही एनीथिंग, कोशिश करो क्या होगा, सोचो। क्योंकि सर सेकंड केस में जो एक्स की वैल्यू अगर माइनस टू है तो उसका स्क्वायर भी फोर होगा, और एक्स की वैल्यू प्लस टू है तो उसका स्क्वायर भी फोर होगा, इसलिए इसमें प्लस माइनस टू है। पर फर्स्ट केस में ये नहीं पता कि मतलब उसमें माइनस आ सकता है या नहीं। रूट फोर की वैल्यू को माइनस टू नहीं लिख सकते क्या? अच्छा, हमने आज छोटी क्लास में, छोटी क्लास मतलब करीब सिक्स सेवन्थ में या एट में, ऐसा सीखा होगा कि रूट फोर की वैल्यू प्लस माइनस टू लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि यहाँ टू इंटू टू होता है तो टू का पेयर बन जाता है, इसलिए आंसर क्या आता है, टू।
और एक चीज हमने ये पढ़ी थी, मैंने तो पढ़ी थी, आप लोग बताना आपने पढ़ा या नहीं, कि इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस टू का पेयर बनेगा तो ये क्या आ जाएगा, माइनस टू। ऐसा ही है, ऐसा पढ़ा था क्या आप लोगों ने? हाँ ना, कुछ तो बोलो। स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 2 एंड माइनस टू, दोनों आंसर आना आ सकते हैं कि नहीं? हाँ, क्या लगता है? कुछ नहीं लगता? रूट फोर की वैल्यू कौन सी सही है, फर्स्ट वाली या सेकंड वाली या दोनों? फर्स्ट वाली, फर्स्ट वाली। तो सेकंड में क्या गड़बड़ है, सेकंड क्यों गलत है? यहाँ भी टू और टू का पेयर बन रहा है, यहाँ भी माइनस टू और माइनस टू का पेयर बन रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? तो देखो, याद रखो इसमें क्या होता है, ये वैल्यू जो है वो गलत है बिल्कुल। क्यों गलत है? क्योंकि जो स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव, याद रखना। स्क्वायर रूट क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव। मैं और भी रीजन देता हूँ क्यों होता है। स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब देखो एक और रीजन मैं आप लोगों को देता हूँ, ध्यान से देखना। यदि मैं इस क्वेश्चन को एक अलग तरीके से सॉल्व करना चाहूँ, तो मैं क्या करूंगा, 4 को LHS में लेकर आ जाऊंगा। ये 4 क्या होता है, 2 स्क्वायर होता है, तो इसको हम x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू लिख सकते हैं। और यहाँ से हम देखते हैं तो x की 2 वैल्यूज आ जाती हैं, प्लस टू एंड माइनस टू, 2 वैल्यूज आई, इसलिए हमने 2 वैल्यूज ले ली। बट क्या 1 में हम ऐसा सॉल्व कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। थर्ड रीजन क्या है, ये बताओ, ये जो x है, या फिर ये सेकंड क्वेश्चन है, ये कौन सा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और फर्स्ट वाला कौन सा है? लीनियर। 10th क्लास में ऐसा हमने सीखा था, जिसकी जितनी मैक्सिमम पावर होती है उसके उतने ही आंसर आते हैं, है ना? ये क्वाड्रेटिक के कितने आंसर आने चाहिए? 2। इसलिए यहाँ एक आंसर क्या हो गया, प्लस टू, और एक आंसर हो गया माइनस टू। लीनियर के कितने आंसर आने चाहिए? ओनली 1। इसलिए ओनली 1 आंसर क्या होगा, प्लस टू। हमने ये जो पढ़ा था, पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा कि नहीं, आप लोगों ने बताया नहीं, पर मैंने पढ़ा था, ये गलत होता है, ये रीजन मैथमेटिक्स में रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि इसको सॉल्व करने में एक और स्टेप आता है जो हमें आज तक नहीं पढ़ाया गया था और हम आज पढ़ने वाले हैं। वो स्टेप क्या होता है, ध्यान से देखो, मिडिल स्टेप। जब हम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लिखते हैं और फिर लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, तो ये जो वैल्यू है, कौन सी वैल्यू, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, दिस वैल्यू बिकम्स मॉड ऑफ एक्स, और ये स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या हो जाता है, 2। और मॉड एक्स इज इक्वल टू 2 लिखते हैं तो एक्स कितना आता है, प्लस माइनस 2। तो ये वाला जो स्टेप था, ये हम आज तक खा जाते थे, हमें बताया नहीं गया था, पर अब हमें जानना पड़ेगा, हम बड़ी क्लास में आ गए। ओके, तो अभी छोटी सी चीज थी, ये क्लियर हुई कि स्क्वायर रूट क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ये बात हमें बहुत अच्छे से याद रखनी है, बहुत काम आने वाली है, बोर्ड एग्जाम में भी काम आएगी और मेंस एडवांस हर जगह बहुत काम आती है। छोटी सी बात है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसकी वजह से बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन। तो ये हमने सीख लिया, ये बेसिक थी छोटी क्लास की। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना सीखेंगे। ये कैसे किया जाता है,
तो इसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन से सॉल्व करने से हम पूरा मेथड समझ जाएंगे। यस, दिस जो स्टेप मैं फॉलो करूंगा सेम स्टेप आप सभी को फॉलो करने। देखो मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया जेड इज इक्वल टू 7-24 आयोटा, ये क्या है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, और मुझे क्या फाइंड करना है इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो हमारा जो क्वेश्चन होगा वो इस तरह का हो जाएगा और हम कुछ एज्यूम भी करेंगे, हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 7-24 आयोटा और इस पर क्या लग जाएगा स्क्वायर रूट। अब जब हमने स्क्वायर रूट ऑफ 4 लिया था तो आंसर क्या मिला था 2, तो जब रियल नंबर का स्क्वायर रूट लिया तो हमें क्या मिला रियल नंबर ही मिला, जब कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या मिलना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, उसको क्या बोल देंगे a प्लस आयोटा b। तो स्क्वायर रूट ऑफ 7-24 आयोटा, इसको हमने क्या एज्यूम कर लिया a प्लस आयोटा b, और साथ ही साथ इसको हम लिख लेंगे हमारा इक्वेशन नंबर 1, ये हमें काम आएगा लास्ट में। अब क्या करने वाले हैं हम, अब हम करने वाले हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग करेंगे तो LHS जो है वो क्या बनेगा 7-24 आयोटा और RHS क्या हो जाएगा a प्लस आयोटा b होल स्क्वायर। इसको ओपन करते हैं 7-24 आयोटा तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2 आयोटा ए बी। नाउ हम जान चुके हैं अभी तक आयोटा स्क्वायर क्या होता है माइनस 1, तो 7-24 आयोटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और प्लस 2ab को साथ में लिख देते हैं आयोटा यहां पर आ जाएगा। तो हमारा बिना आयोटा वाला टर्म क्या हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एंड आयोटा वाला हो गया 2ab। अब हम क्या करेंगे कंपेयर करेंगे, तो यहां लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करने पर हमें क्या मिला, हमें यहां से दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मिल जाएंगी, एक तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल गया 7 एंड अनदर थिंग जो हमारे बहुत काम आने वाली है वो क्या है दूसरा 2ab इज इक्वल टू -24, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ab का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास -12। यहाँ से हमें ये दो चीजें मिल गई, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2 और दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3। अब आगे हम सॉल्व करेंगे तो हमें बहुत अच्छी चीज याद रखनी है, एक फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद रखना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4ab2। ये फॉर्मूला हम लोगों को याद रखना है, ये फॉर्मूला कहाँ से आया कोई मुझे बताएगा, किसी को समझ में आ रहा है ये कहाँ से देखा हुआ लग रहा है क्या कुछ फॉर्मूला, किसी को समझ में नहीं आ रहा है कहां से आया, 10th क्लास में ऐसा कुछ फॉर्मूला पढ़ा था x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस 4xy, ये फॉर्मूला पढ़ा था कभी, यस
है ना। हाँ तो यहाँ x की जगह हमने क्या पुट कर दिया, ए स्क्वायर, एंड y की जगह क्या पुट कर दिया, बी स्क्वायर, पूरे इस फॉर्मूले में। तो हमारा ये ऊपर वाला फॉर्मूला बन गया। हमने ये फॉर्मूला क्यों बनाया, इसको यूज क्यों कर रहे हैं, यह भी समझ में आएगा थोड़े से स्टेप्स के बाद, क्योंकि ऐसा करने से हमारा क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखो अब हमें क्या करने वाले हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, ये तो लिखा ही है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू हमें इक्वेशन नंबर टू में मालूम है कितना है, सेवन प्लस फोर इंटू, यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर है तो इसको ए इंटू बी होल स्क्वायर भी बोल सकते हैं, ए इंटू बी का वैल्यू क्या है इक्वेशन नंबर थ्री में, माइनस ट्वेल्व, तो इसको हम बोल देंगे माइनस ट्वेल्व स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 49 प्लस 4 इंटू 144, तो 49 प्लस ये कितना हो जाएगा 576, कितना ही आएगा, और यहाँ पर हमारा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, इनको ऐड करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 625। नाउ अब हमें क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, हमें स्क्वायर रूट लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट जब हम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एल एच एस में, और आर एच एस में क्या 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है 25, तो बताओ यहाँ 25 प्लस का आएगा या प्लस माइनस दोनों आएगा, क्या लगता है 25 प्लस होगा पॉजिटिव या फिर पॉजिटिव नेगेटिव बोथ, पॉजिटिव, क्यों, हमने तो सीखा था स्क्वायर रूट लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 था तो प्लस माइनस आया था, यहाँ माइनस क्यों नहीं आएगा, क्योंकि शायद LHS में दो वैल्यूज हैं इसलिए, टू वैल्यूज हैं, आगे टू वैल्यूज हैं तो मतलब दो वैल्यूज है तो शायद पॉजिटिव आना चाहिए, थोड़ा थोड़ा सही है पर टू वैल्यूज की वजह से नहीं, पर यहाँ देखो ए का, यहाँ पर जो ए है ए का क्या हो रहा है स्क्वायर, और किसी का स्क्वायर करते हैं तो वो कभी नेगेटिव होता है क्या, नहीं, वो क्या होता है हमेशा पॉजिटिव, बी पर भी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर भी क्या है एक पॉजिटिव नंबर, और टू पॉजिटिव नंबर का हम एडिशन कर रहे हैं तो टू पॉजिटिव नंबर का एडिशन कभी नेगेटिव नंबर आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, इसलिए यहाँ पर ओनली ऑल क्या होगा प्लस का 25। प्रीवियस यदि अभी लॉजिक से देखें जो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 से हमने डिराइव किया था तो प्लस माइनस आना चाहिए था, लेकिन माइनस क्यों नहीं आया, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, इस रीजन की वजह से नहीं आया, क्योंकि टू पॉजिटिव क्वांटिटीज का क्या हो रहा है यहाँ एडिशन, इसको ये इक्वेशन हमारे काम आने वाली है, इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 4। अब देखो हमें इक्वेशन 2 में क्या मिल चुका था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अभी क्या मिल गया इक्वेशन नंबर 4 में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो बी गायब हो जाएगा और ए की वैल्यू मिल जाएगी हमें, तो ये रीजन था हमने वो फॉर्मूला यूज किया था जिससे क्या होगा हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। तो बस अब हम क्या करने वाले हैं, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4 दोनों को ऐड करने वाले हैं, तो ऐड करते हैं, ऐड कर देंगे हम, नाउ वी विल ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4, ऐड इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4,
इक्वेशन टू एंड इक्वेशन फोर को जब हम ऐड करेंगे तो इक्वेशन टू क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7, एंड ये इक्वेशन क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25। दोनों को जब हमने ऐड किया तो क्या होगा, बी स्क्वायर कैंसिल, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 32, 2 से कितने टाइम्स 16 टाइम्स कैंसिल, ए स्क्वायर कितना आ गया 16। तो बताओ ए का वैल्यू कितना आएगा, प्लस 4 या प्लस माइनस 4, प्लस 4, प्लस 4, क्यों माइनस क्यों नहीं, तो यहाँ हमारा आंसर आना चाहिए प्लस माइनस 4, क्योंकि देखो यहाँ LHS में क्या है, A है ना, LHS में क्या है A, और जब A है A तो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है ना, तो इसलिए इसलिए हम यहाँ पर प्लस माइनस 4 लिखेंगे। यहाँ क्यों नहीं लिखा था हमने, क्योंकि LHS इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट यहाँ LHS पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए हम दोनों चीजें लिखेंगे प्लस माइनस 4। तो A का वैल्यू तो आ गया हमारे पास, अब किसका वैल्यू रिमेनिंग है, B का, तो B का वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। तो B का वैल्यू जो हम अब कैलकुलेट करने के लिए, अब हम ये जो यूज करेंगे, अब हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, तो याद रखना जब एक वैल्यू आ जाए तो और दूसरी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो हम कौन सी इक्वेशन यूज करते हैं, हम हमेशा थर्ड इक्वेशन यूज करते हैं, क्योंकि थर्ड इक्वेशन है जिसका अभी तक हमने यूज नहीं किया है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 3 हमने पढ़ी थी, क्या थी, a into b is equal to minus 12। अब a के हमारे पास कितने वैल्यू है, a के हमारे पास 2 वैल्यू है, a के 2 वैल्यू है, तो जो फर्स्ट वैल्यू एक बार लेते हैं, a का वैल्यू एक बार प्लस 4 लेंगे और वन टाइम क्या लेंगे माइनस 4। जब प्लस 4 लेकर करते हैं तो ये क्या आ जाएगी इक्वेशन, 4 into b is equal to minus 12, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस 3। और जब हम a माइनस 4 लेते हैं इंटू b इज इक्वल टू माइनस 12, तो यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 से 12 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो b का आंसर कितना आएगा 3, b का वैल्यू आ जाएगा 3। अब हमें आंसर जो लिखना है वो क्या लिखना है, कंबाइंड फॉर्म में लिखना है, तो हम यहाँ से यूज करेंगे, और कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, इक्वेशन नंबर 1। आंसर लिखने के लिए हम इक्वेशन नंबर 1 यूज करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में हमें क्या लिखना था, 7 माइनस 24 आयोटा इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, ये था। तो अभी क्या हो जाएंगे, यहाँ पर हमें 2 वैल्यूज मिल जाएंगी, एक बार जब हम फर्स्ट वाले को फॉलो करेंगे इस वाले को, तो हमें ए पॉजिटिव मिला 4 और बी नेगेटिव मिला, तो माइनस 3 आयोटा। और जब हम सेकेंड वाले को फॉलो करते हैं तब ए क्या होगा माइनस 3 और ये क्या हो जाएगा प्लस 3 आयोटा। तो ये जो दोनों हैं ये दोनों ही हमारे क्या हो जाएंगे आंसर। इसका मतलब हमें एक और नई चीज सीखने को मिली कि जब हम रियल नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो ओनली वन चीज मिलती है, वन आंसर मिलता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमें 2 आंसर्स मिलते हैं। अच्छा, जो फाइनल आंसर लिखना है वो इस तरह नहीं लिखना है, फाइनल आंसर के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों को कंबाइंड करके लिखना होता है। अब फाइनल आंसर कैसे लिखते हैं वो हम सीख लेते हैं। तो जो फाइनल आंसर है, फाइनल आंसर
फाइनल आंसर हम क्या लिखेंगे? फाइनल आंसर में हम लिखते हैं, तो देखो जो भी अच्छा लग रहा है वो लिख दो पहले, तो कौन सा अच्छा लग रहा है, ऊपर वाला या फिर नीचे वाला? मुझे तो ऊपर वाला अच्छा लग रहा है, फोर पॉजिटिव है, तो मैं उसमें क्या लिख दूंगा, ए प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू फोर माइनस थ्री आयोटा, जो अच्छा लगे वो उसको लिख दो और उसके आगे क्या लगा दो, प्लस माइनस, बस ये आंसर हो जाता है। हम एक बार और इसको देखते हैं स्टार्टिंग से, हमें एक क्वेश्चन था जेड इज इक्वल टू सेवन माइनस ट्वेंटी फोर आयोटा, इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना था, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एज्यूम करना है जो भी लिखा हुआ है इसका स्क्वायर रूट लगा दो, और ये भी क्या हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको हमने लिख दिया ए प्लस आयोटा बी, तो वहां पर ए क्या हो जाएगा रियल पार्ट एंड बी इज इमेजिनरी पार्ट, दोनों तरफ क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग किया तो इमेजिनरी पार्ट अलग हो गया और रियल पार्ट अलग हो गया, कंपेयर किया तो रियल पार्ट को कंपेयर करने से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सेवन आ गया, एंड इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करने से ए बी इज इक्वल टू माइनस ट्वेल्व आ गया, इक्वेशन टू और इक्वेशन थ्री हमें मिल गए। फिर एक फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है, इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी क्या, 25, और इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर फोर। फिर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे इक्वेशन टू एंड इक्वेशन फोर को, ऐड करने के बाद सॉल्व करेंगे तो ए का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस फोर, अब इक्वेशन नंबर थ्री यूज करेंगे जो हमने यूज नहीं की थी, ए बी इज इक्वल टू माइनस ट्वेल्व, ए के टू वैल्यूज हैं, एक एक करके दोनों वैल्यू लेंगे, बी के भी हमें दो वैल्यू मिल जाएंगे और ए और बी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर वन में पुट कर देंगे। तो ये समझ में आया पूरा, ये लेंथी है इसलिए स्कूल में फोर मार्क्स में आता है ये क्वेश्चन, पक्का आएगा 100%, इसके बिना इससे पहले कॉम्प्लेक्स में कोई क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, ये जरूर आएगा, इसको पहले अच्छे से नोट कर लो। नोट किया है कि अभी सबने? यदि नोट किया है तो फिर मैं एक और एक क्वेश्चन देता हूं, वो उसका आंसर आप लोगों को निकालना है। तो जो क्वेश्चन है वो है 6 + 8 आयोटा, तो 6 + 8 आयोटा जो है, 6 + 8 आयोटा, इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। ट्राई कीजिए, पूरा सेम मेथड अप्लाई करना है, कुछ डिफरेंट नहीं। यहाँ हमेशा a प्लस आयोटा भी लिया जाता है, कभी a माइनस आयोटा भी या माइनस a प्लस आयोटा भी, ऐसा कुछ नहीं लेंगे, या नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर हो पॉजिटिव हो एनीथिंग कुछ भी रहने दो, हमें क्या लेना है हमेशा a प्लस आयोटा भी। ट्राई करो इसको।